हेलो एवरीवन, मेरा नाम जुनेद, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो वेल्थ मेनिया में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि बाइनेंस ऐप जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। काफ़ी लोग नए नए आते हैं क्रिप्टो में इंडिया के अंदर और बाहर भी आते हैं, तो उनको बाइनेंस ऐप यूज़ करना नहीं आता। वो सीधा किस पर जाते हैं, वजीर एक्स पर जाते हैं या फिर डीसीएक्स पर जाते हैं, क्योंकि उन पर ट्रेड करना INR पेयर में ईजी होता है। लेकिन आपने ज़्यादातर देखा होगा जो भी न्यूज़ आती है, ठीक है, जो भी क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होती है या फिर जितने बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, सब वो USDT के पेयर में ही कोइंस का एनालाइज करके देते हैं या फिर कोइंस के बारे में जो भी बताते हैं कि बाय प्राइस, टारगेट, हीटिंग वगैरह सब कुछ, वो सिर्फ सिर्फ USDT पेयर में बताते हैं या सिर्फ सिर्फ BTC पेयर में बताते हैं। कोई भी INR पेयर में ट्रेड नहीं करता है, सिर्फ इंडिया में ही INR पेयर में ट्रेड होता है। तो गाइज, इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस ऐप यूज़ करना है। बाइनेंस ऐप वर्ल्ड का नंबर वन लीडिंग एक्सचेंज है आपका क्रिप्टो का, ठीक है। वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग इसको यूज़ करते हैं, एक ट्रस्टेबल एक्सचेंज है। यहाँ पे कोई अच्छे अच्छे कॉइन्स लिस्ट होते, कोई भी स्कैम कॉइन लिस्ट नहीं होते हैं। तो आप जा करके आप देख लें मेरी प्रीवियस वीडियो, कैसे अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आप अभी तक यूज़ नहीं करते उसको यूज़ करिए। WZIRX छोड़िए, WZIRX भी है, हाँ, INR पेयर में अगर ट्रेड करना है तो WZIRX रखें। बट मैं रिकमेंड करूँगा 90% ना, आप जो भी आपका पोर्टफोलियो 90% आप USDT पेयर में ट्रेड करें। तो USDT पेयर में कैसे ट्रेड करना है तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ स्पॉट ट्रेड के बारे में। बाइनेंस का स्पॉट ट्रेड एक एक हर वीडियो में एक एक फीचर में इसका डिटेल में बताने वाला हूँ। अब वीडियो में बताने वाला हूँ स्पॉट ट्रेड, बताने वाला हूँ स्पॉट ट्रेड में आप बाय ऑर्डर कैसे लगाते हैं, सेल लिमिट, ठीक है, कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस एक साथ कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ कैसे लगाना है, कैसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं ये सब बताऊंगा। आप बने रहे मेरी वीडियो के साथ, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज, आपने आ जाना है अपने बाइनेंस वॉलेट में, फाइनेंस ऐप के अंदर आ जाना है आपको, सीधा जाना है फिर आपको ट्रेड वाले ऑप्शन में, स्पॉट ट्रेड जो अभी मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ स्पॉट ट्रेड का, जैसे कि आप जानते हैं। तो आपको जो ऐसा भी किसी भी कॉइन में ट्रेड करना है तो आपको सीधा जो आपका ये सर्च आइकन है, आपको यहाँ पे ये सर्च करना है इस वाले पर, ठीक है, जहाँ पे मेरा SRM दिख रहा है आपको वहाँ पे जो सर्च करना है, ठीक है, आपको जाना है सिंपली सा वहाँ पर क्लिक करना है और अपना जो भी जिस कॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हो आपको वो सर्च करना है। मेरा जो फेवरेट कॉइन है, मैं अपने फेवरेट कॉइन में करना चाहूँगा, जैसा मेरा होता है AR, तो आप यहाँ पे बहुत सारे पेयर आ जाएंगे, ARBNB, ARBTC, ARUSDT, तो मेरा जो फेवरेट है वो है मेरा USDT पेयर में, सीधा सिंपल सा। तो अभी मैं पहले आपको बाय जो ऑर्डर लगाते हैं उसका दिखा देता हूँ कि बाय में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं देखने को। आप देख सकते हैं जो हमें बाय में ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको सिंपल सा पहले जाना है यहाँ पर, सिंपल से यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पर कितने ऑर्डर देखने को मिले, चार चीज़ें देखने को मिलेंगी, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट एंड OCO। लिमिट क्या होता है कि आपने एक बिड लगाई कि जब भी प्राइस इतना नीचे आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो वहाँ पर आपका एक, अगर उस प्राइस रेंज में आपका कॉइन की वैल्यू आती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका कॉइन बाय हो जाता है। मार्केट, अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं लगाना है, कोई भी मार्केट कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ मार्केट प्राइस पे बाय करना है, तो आप सीधा सिंपली से यहाँ से मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। आपको सीधा यहाँ पे जितने भी अमाउंट का बाय करना है आपको सिर्फ अमाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरे पास उतना अमाउंट नहीं, क्योंकि मेरे जितना भी अमाउंट था मैंने सारा लगा दिया है बाय रेंज में, ओके। तो आपको ये करना है और आपको सिंपली से अगर थर्ड ऑप्शन जाना है तो आपको स्टॉप लिमिट, अगर आप चाहते हो। स्टॉप लिमिट का क्या मतलब होता है कि आपका जो, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, जब मार्केट हमें पता नहीं होता कहाँ से ऊपर जा रहा है, जैसे अभी ऊपर जाता जा रहा है, अभी कुछ टाइम पहले $36 पर ट्रेड करा था, 40 पर आ गया, अप्रॉक्स $10 10% ये बढ़ गया है, तो आपको सिंपली से करना है। आप पैनिक हो रहे हो कि मैं बाय करूँ मेरे से मार्केट छूट ना जाए, तो आपको क्या करना है, स्टॉप लिमिट सेलेक्ट करना है। स्टॉप लिमिट में आपको क्या करना है, देखिए, जब भी कोई कॉइन ब्रेकआउट लेता है, अपना अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है या फिर अपना कुछ भी जो भी एंगल बन रहा होता है वो अपना ब्रेक करता है, बुलिश पैटर्न दिखाता है, तो क्या होता है ना, वहाँ से वहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट करता है, तो आप चाहते हैं कि रिटेस्ट करने के बाद जब वो पंप हो तो मेरा ऐसे मिस ना हो, ठीक है। तो आपको सिंपल इसे क्या करना है, जैसे अभी $39 चल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसका एक जो एक रेजिस्टेंस है वो $42 है, वहाँ पे जो 41 से लेकर 42 के बीच, जब वो उसको ब्रेक करे तो हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाए, हम इसको तब बाय करें। तो आपको क्या करना है, सीधा स्टॉप लिमिट सेलेक्ट करना है बाय वाले ऑर्डर में, आपको जब वो फर्स्ट वाला दिख रहा है स्टॉप USDT कि कहाँ पर स्टॉप हो जाए, मान लीजिए $39 है, मैं $42.5 लगा देता हूँ। जब भी मार्केट में मेरा प्राइस $42.5 आएगा, मेरा ऑर्डर मार्केट में आ जाएगा, मार्केट में एक्टिव हो जाएगा। लेकिन बाय कब होगा, जैसे 42.5 है, तो मेरे को क्या करना होगा, इससे ज़्यादा प्राइस रखना होगा ताकि मेरा ये ऑर्डर एक्टिव हो जाए
और मान लीजिए मेरा जो बाय रेंज है मेरा $44 है, कि रिटेस्ट करके जब ये वापस से पंप हो रहा हो तो जैसे ही ये $44 आएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जितनी भी क्वांटिटी का मुझे बाय करना है मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपली सा ये होता है स्टॉप लिमिट। देन जो हमारा आता है OCO, OCO का मतलब होता है अदर कैंसिलेशन ऑर्डर, मतलब अगर आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो बाकी के सारे ऑर्डर आपके अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाले में आपका लिमिट आता है कि मान लीजिए अभी $39 चल रहा है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है मान लीजिए $36 तक ही जाता है, $36.5 तक जाता है, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, बाकी के मेरे जो ऑर्डर होंगे वो कैंसिल हो जाए। तो आपको 36 हो गया, ठीक है। स्टॉप में जैसे मैंने समझाया कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब लगाना होता है, अगर आप चाहते कि मार्केट नीचे जाए तब भी मेरे हाथ से ना जाए और ऊपर जाए मार्केट तब भी मेरे हाथ से कोई ना निकले, तो आपको क्या करना है सिंपली सा अपना OCO सेलेक्ट करना है, आपको अपनी लिमिट लगानी है और आपको अपने स्टॉप लिमिट भी लगा देनी है। मान लीजिए जैसे मैं लगा देता हूँ 42.5 और अपना लिमिट लगा देता हूँ मैं $44, ठीक है 100%। अब जब भी मेरा मार्केट में जो अगर कॉइन नीचे जाएगा 36.5 जाएगा तो मेरा अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी के सारे मेरे कैंसिल हो जाएंगे। और स्टॉप लिमिट में क्या होगा कि जैसे कि अगर मेरा यहाँ से कॉइन ऊपर जाता है $42.5 जाता है तो मेरा जो ऑर्डर होगा वो मार्केट में एक्टिव हो जाएगा, एंड देन जैसे ही $42 मेरा कॉइन जाएगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मेरा ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा एंड मेरा कॉइन बाय हो जाएगा जितनी भी क्वांटिटी का मैं बाय करना चाहता हूँ। ओके तो जो अगर आप मान लीजिए $42.5 चला जाता है लेकिन ये $44 नहीं जाता तो मेरा कॉइन बाय नहीं होगा, जैसे ही 43 जाता है वो 43 से अगर वापस आ जाता है तो मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमारा बाय ऑप्शन का। अब हम जाते हैं सेल ऑप्शन का। सेल में भी हमें सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट। पहले हम लिमिट जान लेते हैं। सेल में लिमिट का मतलब होता है सेल करना, कि आपको एक टारगेट मिला है वहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस हमें नीचे लगाना है, नहीं हमें ऊपर लगाना है। जैसे मान लीजिए आपने अभी $39 चल रहा है, आपने $38 पे बाय करा है इसको, तो आपको जो सेल ऑर्डर लगाना होगा अपने प्रॉफिट बुकिंग पे। जैसे मैं बोलता हूँ कि जो आपका फर्स्ट टारगेट हुआ समथिंग हुआ, सेकंड टारगेट समथिंग हुआ, जो भी मैं अपने सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप सिग्नल लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो मैं सिग्नल्स देता हूँ वो इस अकॉर्डिंग होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो आपको सिंपली से अलग अलग प्राइस पे लगा देना होता है। तो आपको सिंपली से लिमिट में जाना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर होगा, जो मेरा प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा मेरा $42.5 होगा, ठीक है। अगर जैसे ही मेरा ये टारगेट हिट होगा मेरा कॉइन सेल हो जाए, कितना मान लीजिए मैं 25% सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर टारगेट पर अपना 25% ही प्रॉफिट बुक करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग ऐसे होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 25% आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास अगर 100 AR कॉइन्स हैं तो आपके 25 कॉइन जो हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे, ठीक है 25%। अगर आप 50% करना चाहते हैं तो 50% कर सकते हैं। अब आता है मार्केट ऑप्शन। अगर आपको नहीं जाना कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, डजेंट मैटर, आपको सेल करना है तो आपको मार्केट पर जाना है, सीधा अमाउंट डालना है कितने अमाउंट को आपका सेल करना है और वो सेल हो जाएगा। स्टॉप लिमिट जैसा कि आपको मैंने अभी बाय वाले ऑप्शन में बताया था स्टॉप लिमिट का क्या मतलब होता है, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा हो हमारा स्टॉप लिमिट एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा बाय हो जाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है बिल्कुल ही, यहाँ पे स्टॉप का मतलब होता है, स्टॉप लिमिट का मतलब होता है कि आपका स्टॉप लॉस। आपने देखो जैसे मैं कॉइन बाय करने को बोलता हूँ, उसका जो बाय रेंज होती है उसके 5-7% डाउन पे एक स्टॉप लॉस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। उस पर क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका आपने कोई जैसे कि मान लीजिए AR का ही हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए $39.83 चल रहा है, लेकिन मैं अगर इसका स्टॉप लॉस दूँ तो मैं $35 के अप्रोक्स दूंगा आपको, ठीक है। जैसे ही $35 जाएगा, जैसे मान लीजिए मार्केट क्रैश होता है, मार्केट डाउन जाता है, तो $35 पर जाकर के आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको सिंपली से करना है, यहाँ पर आना है, आपको अपना जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो लगाना है। मान लीजिए मैंने 35 दिया था, आपको यहाँ पर 36 कर देना है, थोड़ा सा ऊपर लगाना है ताकि हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाया करे, और आपको लगा देना है 35, ठीक है। स्टॉप लॉस 35.5 लगा सकते हैं आप, ठीक है, कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए 100% का, 50% 75% जितने भी अमाउंट आप करना चाहते हैं, कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, मेरा यहाँ पे सेल हो जाए, मैं बाकी का जब और ज़्यादा नीचे जाएगा तब मैं बाय कर लूँगा। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस जो हम देते हैं
वो इस तरह से लगाया जाता है। और जो हम देते हैं, जो हम आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में या कोई भी ट्रेडर होता है, तो आपको वो क्या होता है, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ देता है। तो किस तरह से लगाना है, आपको सिंपल से ज़्यादा जाना है ओ सी वाले ऑप्शन में, अदर कैंसिलेशन ऑर्डर में। आपको क्या है, यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो लिमिट होता है वो एग्जैक्टली बाय ऑर्डर के उल्टा होता है। यहाँ पर नीचे नहीं लगाना होता, ऊपर लगाना होता है। जैसे मैंने कहा, जो प्राइस रेंज होता है उसके ऊपर वाले प्राइस पे लगाना होता है, जहाँ पे वो कॉइन जाने वाला हो, पंप हो रहा हो। ठीक है, तो मान लीजिए 39 है, मैं $45 लगा देता हूँ। $45 जैसे ही जाएगा, मेरा टारगेट जो होगा हिट हो जाए। ठीक है, टारगेट होता है जो हम, लिमिट का मतलब होता है इसमें टारगेट जो होता है। ठीक है, और बाय वाले ऑप्शन जो लिमिट का मतलब होता है बाय रेंज वाला होता है। ठीक है, ये सेल हो गया आपका, $45 पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। जब $45 जाए, आपका जो कॉइन है वो सेल हो जाए। ठीक है, अब हमें साथ में स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाना है। हमारा जो 35 वाला स्टॉप लॉस था, हम उसको एक्टिव करना चाहते हैं, $36। ठीक है, 34.5 आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपको कितने परसेंट सेल करना है, 100% स्टॉप लॉस हिट हो तब भी 100% सेल हो जाए, टारगेट हिट हो तब भी 100% सेल हो जाए। तो आपका इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आपका ये स्पॉट ट्रेडिंग चलता है। तो आप, आई होप आपने समझ लिया होगा स्पॉट ट्रेडिंग फुल्ली, आपने समझा होगा अच्छे से कि कैसे ट्रेड करना है स्पॉट ट्रेड में, कैसे आपको बाइनेंस पे कैसे समझना है, कि क्योंकि ये वजीर से टोटली चेंज होता है, होता सेम ही, बस कुछ फीचर्स अलग होते हैं जो कि आपको समझने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप ट्रेडिंग ऑप्शन में जाएँ तो आप ध्यान रखें कि आप हमेशा स्पॉट वाले ऑप्शन में रहें, ना कि मार्जिन वाले या फीआईटी या पीटूपी या कन्वर्ट में ना जाएँ। ठीक है, तो आप स्पॉट ट्रेड में रहे हमेशा। ठीक है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। मैं आपको अभी ये जो कन्वर्ट वाला ऑप्शन है ना, आपको बिना फी चार्ज के आपको कॉइन में, जो आप अगर कोई भी फीस प्रोवाइड नहीं करने, कोई भी फीस देना नहीं चाहते बाइनेंस को, फ्री में अपना कॉइन मतलब अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो कन्वर्ट वाला ऑप्शन में जाना है। उसकी डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम में। तो गाइज, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आओगे, आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अच्छे से समझिए। ट्रेडिंग तभी करिए जब आपको अच्छे से समझ आ जाए, बैलेंस तभी यूज़ करिए जब अच्छे से समझ आए। आपको एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, लेकिन तीसरे बार में जब आप साथ साथ वो ऑर्डर प्लेस करते हुए जाएंगे, अगर आपके पास कॉइन नहीं है बाय करने को, लेकिन आपको फिर भी सीखना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सा आपको मेरे साथ और लिखते हुए चलना जाना है, सीधा ऑप्शन में जाना है, जो मैं लिखूँ आप वो भी लिखते जाइए, तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो चाहिए अपडेट। ठीक है, और जो हाँ, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो मेरी होने वाली है फ्यूचर ट्रेड के ऊपर, कि फ्यूचर ट्रेड में मैं जो ऑप्शंस बताने वाला हूँ, फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, वो उसमें किस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेवरेजेस क्या होती है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको अगर आपको अपडेट चाहिए तो मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन ओपन करें, ताकि सबसे पहले अपडेट वो आपके पास जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।